आपका बहुत स्वागत है पीपोई में यहां अब कुछ नहीं छुपेगा कैसे कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे एक लखनऊ की लड़की ने बाईस जड़े एक कैब ड्राइवर को भरी पब्लिक में और वहां एक पुलिसकर्मी था जो मौके वारदात से चंपत हो गया जैसे वो कैब ड्राइवर तो सिविलियन ही नहीं है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं उसकी उसके बाद हमारे वीडियो के द्वारा हमने दरख्वास्त करी श्री मुकुल गोयल से यूपी पुलिस से कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और उस लड़की को अरेस्ट होना चाहिए और आप लोगों ने ढेरों की तादाद में हैश लखनऊ गर्ल को फैला दिया हर जगह मैं आपका हाथ जोड़ के बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहता हूं बखू इस साथ दिया आपने और यही एक चेंज लीडर की निशानी और इस तरह ही बदलाव आता है ऐसे मुद्दों पर हम मिलकर आवाज उठाएंगे ना तो बदलाव जरूर आएगा और वो इस एंगेजमेंट से साफ पता चल रहा है पर बात यहां खत्म नहीं हुई हुएगा इसके बाद भी इतने लोगों के द्वारा इसको रीट्वीट करने के बाद भी ट्विटर पे ये ट्रेंड कर रहा था सुबह से उसके बाद भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है कोई पुष्टि नहीं आई है सोशल मीडिया पे यूपी पुलिस के द्वारा और आपको मिले तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर बताना जैसे आपने कुछ चीजें और भी भेजी मुझे और मुझे पता चला इन मैडम का नाम जो लखनऊ गर्ल है उनका असली नाम है प्रियदर्शनी नारायण और यह भी पता चला कि मैडम तो शायर हैं मैडम शायरी नहीं पब्लिक फिगर हैं इस लड़की ने एक और काम किया था इस इंसिडेंट के बाद यह इंसिडेंट हुआ था तीस जुलाई को साढ़े नौ बजे और उसके बाद ठीक एक दिन बाद उन्होंने फेसबुक पे ऐसा पोस्ट किया जो कि आपको हैरान कर देगा उस पे मैं। पर आऊंगा एक और बात बताता हूं कि क्या और पता चला है इस मामले के बारे में तो पहले तो पहले एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें क्लियर हो जाता है दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है और दूसरा एक न्यूज की क्लिपिंग जिसके बाद महेश दुबे जिन्होंने इस मौके वारदात पे चलान किया शहादत का शहादत कौन ओला कैब ड्राइवर हां जी उसका चलान हुआ इस न्यूज क्लिपिंग के हिसाब से उसका चलान हुआ उस लड़की को तो छोड़ दिया गया मौके वारदात पे ही और इल्जाम था

चाहे वो स्पीड पे थे पर उन्होंने रोक ली पर ये लड़की वहां रुक गई अब क्या किया पहले स्टोन पेल्ट किए पत्थर फेंके फिर उनका जो साइड मिरर होता है उसको तोड़ दिया फिर उसको बाहर निकलने के लिए बोला तो उसके बाद जब वो बाहर नहीं निकला निकल 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 होगा तो उसका फोन खींचा और फोन तोड़ दिया उसके बाद बाहर निकाला और फिर दन दना दन दन एक के बाद एक बाईस थप्पड़ जड़ दिए और वहां से पुलिसकर्मी होगा तो क्या इससे क्लियर हो जाता है कि डेफिनेटली ओला कब ड्राइवर वाले की गलती थी शहादत की यहां गलती थी उसने ट्रैफिक रूल ब्रेक किया जिसकी सजा होती है पेनल्टी फाइन पर इस लड़की ने जोल्ट पे जौल किया पत्थर फेंके प्रॉपर्टी तोड़ी और फिर उसको थप्पड़ मारे विच इज सेक्शन थ्री फाइव फाइव के आधार पे उनको जेल हो जाने चाहिए अरेस्ट कर लेना चाहिए जो मैंने कल भी बोला था पर गलती हो गई या लड़की के प्रेशर में आ गए सर तो चलाना बोला कैब ड्राइवर को हुआ शहादत अली का हुआ और, और मैं भी गलती हो गई बिकॉज सीसीटीवी फुटेज नहीं थी और लड़की को देखकर सबको लगा लड़की ठीक कह रही है पर ऐसी गलती कैसे हो जाती है जब सामने आप देख रहे हो लड़की दन दना दन, दुबे जी जिनका बयान है उस क्लिपिंग में उनको शायद किसी ने, ने बताया नहीं उस ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने भी शायद नहीं बताया कि वो लड़की कैसे उसको मारती रही और उसने मारा तो उसको छोड़ क्यों दिया गया ये मेरा सवाल है और इस सवाल का जवाब मैं मांगता हूं ट्रैफिक पुलिस से यूपी की और इसलिए मैं ट्वीट फिर से करने वाला हूं जिसमें आपका फिर से मुझे सपोर्ट चाहिए क्योंकि एक बात पक्की है गए सादा तली को ये बाइस थप्पड़ जो लगे ना उसका भुगतान उसको पूरी जिंदगी करना पड़ेगा उसकी न्यूरो वायरिंग में जो घात पहुंचा होगा उसका उसका बदला वो सबकॉन्शियसली जाने अनजाने पता नहीं कब कब निकालेगा कैसे कैसे निकालेगा कभी अपनी मां पे कभी अपनी बीवी कभी अपनी बहन कभी अपनी बेटी पे और ऐसा ही होता है और ऐसा ना हो तो चाहे उसको अरेस्ट नहीं करिए पर प्रिय दर्शनी को नारायण को सोशल मीडिया पे सादा तली से माफी मांगनी पड़ेगी हाथ जोड़ के वो टैक्सी ड्राइवर है ओला ड्राइवर है पर आज उसके साथ पूरा देश खड़ा होगा पी फैमिली खड़ी होगी और आप सब जो देख रहे हैं मेरा पूरा यकीन है कि आप सब भी खड़े होंगे बिकॉज ये बहुत हो गया अमीरों के चोचले पावरफुल लोगों के चोचले हर कॉमन मैन हैज एन इक्वल राइट इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी शुड स्टैंड फॉर इट एंड दैट विल बी द बिगनिंग ऑफ द चेंज दैट यू वॉन्ट टू सी और अब मैं आता हूं कि यह मुश्किल क्यों होगा इस लड़की का सॉरी मांगना मुश्किल होगा बिकॉज इसका जो फेसबुक है वो बहुत बताता है इस लड़की के दिमाग के बारे में इसने ठीक उसी दिन के बाद जिस लड़की ने डिफेंड किया था उस ओला कैब ड्राइवर को जब उस पर हाथ उठाया था उस लड़की ने भी शायद हाथ उठाया और उसने बोला कि मैं डिफेंस से हूं और इस लड़की ने धमकी दी खुले आ, सोशल मीडिया पे कि अगर मैं ये कर दूं वो कर दूं तो बेटा तुझे कोई बचा नहीं पाएगा मतलब वही जो हम देखते आ रहे हैं सूडो फेमिनिज्म वुमेन कार्ड खेलना कि मैं ये कर दूं फिर तुझे नानी याद आएगी जो लॉज आपकी प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए उसका गलत यूज करना और उसकी धमकी देना और ऐसे ही बदनाम होते हैं जब ऐसी अपनी में आके इनका गलत यूज करती है और धमकियां देती फिर तो मैं तो यही कहूंगा ये एक हैश की जगह अब हैश टैग चलेंगे अरेस्ट लखनऊ गोयल के साथ साथ से सॉरी प्रियदर्शनी जस्टिस फॉर ओला ड्राइवर जस्टिस फॉर सहादत अली एंड एंड आई आई होप यूपी पुलिस यूपी ट्रैफिक पुलिस और श्री मुकुल गोयल जिनका काम काबिल तारीफ रहा है पास में उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं हाथ जोड़ के कि प्लीज इस मामले में आगे आइए एंड मेक श्योर कि जस्टिस इज सर्व्ड फॉर दिस ओला ड्राइवर उसको फाइन करिए और पूरा फाइन नहीं हो तो थोड़ा और फाइन कर दीजिए हम पे कर देंगे फाइन पर उस लड़की को भी सजा मिलनी चाहिए और गाइज आई होप जस्टिस गेट सर्व क्यों नहीं होगा जब आप जैसे चेंज लीडर्स साथ में जुड़ेंगे साथ में जुड़ रहे हैं पी फैमिली साथ में जुड़ रही है और आप जैसे चेंज लीडर्स आगे आएंगे ना और पी फैमिली खट्टा होकर रहेगी ना तो चेंज जरूर आएगा, बदलाव जरूर आएगा ग्रुप इट वैल्यू और ऐसे मुद्दे हम उठाते रहेंगे मैं रिएक्शन लाता रहूंगा ऐसे इंसिडेंट्स को डीकोड करता रहूंगा क्योंकि बदलाव जरूरी है आप देख रहे हैं पी मैं हूं आकाश अब कुछ नहीं छुपेगा शब्बा खैर खुदाफे सतम राम गुड बाय